मेरा सादर प्रणाम। सदियों तक, दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की हर संपत्ति को केवल पुरुषों को ही अधिकार समझा जाने लगा। आज हमारी सरकार की योजनाएं इस असमानता को दूर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन दिनों क्या प्रयागराज और क्या काशी, हर जगह कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं, जो सूबे में महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रही है। दरअसल इन सभाओं में पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, बल्कि ये विश्वास है उनका, ये उनका भरोसा है उनके कल को बेहतर बनाने का, जिस भरोसे और जिस विश्वास के साथ महिलाएं पहुंची हैं। उन्हें ये पता है कि उनका वर्तमान और उनका आने वाला कल सुरक्षित हाथों में है, जिसके जरिए वो न सिर्फ आर्थिक रूप से संबल बनेंगी, बल्कि समाज में पूरे मान सम्मान के साथ, पूरी समानता के साथ जिंदगी गुजर बसर करेंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज का दौरा किया और 2 लाख से अधिक महिलाओं की मौजूदगी वाले एक अनोखे कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सहायता समूह के खातों में 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, जिससे लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ मिला। ये स्वयं सहायता समूह असल में राष्ट्र सहायता समूह है। रोजगार के लिए, परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए जो योजनाएं देश चला रहा है, उसमें भी महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाया जा रहा है। बैंक सखियों का काम कितना बड़ा है, यूपी सरकार ने इन बैंक सखियों के ऊपर ऐसे करीब 75,000 करोड़ के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार ये गांव में रहने वाली मेरी बहनें, मेरी बेटियां कर रही है। कुछ समय पहले तक जिनके खुद के बैंक के खाते भी नहीं थे, लेकिन आज इन महिलाओं के हाथों में बैंकिंग की, डिजिटल बैंकिंग की ताकत आ गई है। इसलिए देश देख रहा है कि यूपी में कैसे काम हो रहा है, और तभी तो मैं कहता हूं प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। जाहिर है महिलाओं को सुरक्षा से लेकर आत्मनिर्भर बनाने तक के लिए कई काम हुए। 2014 के बाद आधी आबादी को सही मायने में अपना हक और सम्मान मिला। आज यूपी के गांव-गांव में घर की महिलाओं का अकाउंट है। इसके अलावा आज हर उस असमानता को दूर किया जा रहा है जो महिलाओं के विकास में रोड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनने से, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब से गरीब बहनों को गैस कनेक्शन की सुविधा मिलने से, घर में ही नल से पानी आने से बहनों के जीवन में सुविधा भी आ रही है और उनकी गरिमा भी बढ़ती जा रही है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर जी, आपके वजह से हम लोग का घर बन गया और हम लोग अच्छे। पहले कहाँ रहते थे? पहले जी मिट्टी का कच्चा मकान था। हाँ, और अभी पक्का घर हो गया? हाँ, पक्का घर हो गया। कितना समय हुआ? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, 1 साल पूरा हो गया। बच्चों को अच्छा लगता? हाँ, है बच्चों को अच्छा लगता है सर। नहीं, पानी बरसता था तो बहुत उसमें पानी गिरता था, इधर बिस्तरा बिस्तरा था, उधर बिस्तरा था, और अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं। सब मुसीबत चली गई? सब मुसीबत चली गई। हमारे पहले सर बहुत दुखद बात है कि हमारे पास झोपड़ी थी, झोपड़ी में लेके बच्चों को पानी जब बरसता था तो इधर भीगते उधर भीगते थे, और धूप छांव का भी परेशानी रहती थी। अब जब हमें पता चला तो हम आवास डूडा ऑफिस से भरे और
जब हमारे यहाँ आवास बन गया, घर पक्का मकान बन गया, हमारे परिवार अब अच्छे अच्छे से जीवन। कितने पैसे मिले सरकार की तरफ से आपको? सर 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए मिला जी। अपनी बेटियों को बीए एमए कराना चाह रहे। मेरी बेटी बोलती है मम्मी पढ़ के अपना कंप्यूटर चलाएंगे और प्रधानमंत्री जैसे लोग बनने के लिए ख्वाहिश है। गरीबों के लिए सर जी आप तो हम राम जी के आज गरीबों के आशीर्वाद बने रहे तो हम और काम करेंगे। इसके अलावा एक प्रधानमंत्री और आम लोगों के बीच की दूरी को कैसे कम किया जा सकता है, ये हुनर भी प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं। कुछ ऐसा ही कभी न भूल पाने वाला पल आया कुछ महिलाओं के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर ये महिलाएं गर्व से फूली नहीं समा रही थी। उनके मन का भाव उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। ये सब कुछ उनके लिए किसी सपने जैसा था। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं से कुशलता पूछा, उनकी गोद से बच्चों को लेकर दुलारा पुचकारा और उन पर ममता लुटाई। सहारनपुर के रामपुर गांव की शबाना परमीन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना यादगार बन गया। पीएम ने शबाना की 9 महीने की बच्ची को गोद में खिलाया और दुलारा। दरअसल प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में सहारनपुर से भाग लेने पहुंची शबाना परवीन उस वक्त हैरान रह गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने आए और उनके गोद में खेल रही 9 महीने की बेटी सरदा को अपने गोद में लेकर खिलाने लगे, उसे दुलार किया। पीएम ने शबाना से उनका और उनकी बेटी का नाम पूछा और वो गाँव में क्या काम करती है। इस सवाल के जवाब में शबाना ने बताया कि वो गांव के दिव्यांगों और बुजुर्गों को बैंकिंग सेवा के जरिए पेंशन पहुंचाने का काम करती है। शबाना ने बताया अभी तक उनके द्वारा करीब 54 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कराया गया। शबाना अब बैंक कॉरेस्पोंडेंट का काम करती है। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बेटियों के समान अवसर के उनके पढ़ाई लिखाई के लिए आगे पढ़ने के लिए समय मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का फैसला किया गया है। बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान 5,000 रूपए महिलाओं के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं ताकि वो उचित खान पान का ध्यान रख सके, बेटियां कोख में ही ना मारी जाए वो जन्म ले सके। इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया है। जाहिर है यूपी में विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो काबिले तारीफ है। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही। आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। मीडिया की रिपोर्ट।